हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो फिर से नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज दिखाएंगे ये वीवो A1 मॉडल है। तो ये देखिए आप लोग कैसे इसको मोबाइल कस्टमर इसको तोड़ा है। तो ये मॉडल है वीवो A1। तो इसको कम्प्लीटली सब कुछ चेंज करेंगे, कम्प्लीटली इसको फिटिंग करेंगे, तो यही दिखाएंगे आप लोग आज, कम्प्लीटली इसको रजिस्टर करेंगे। तो ये मॉडल है वीवो A1। तो देखिए इसमें कैसे इसको बुरा तरीक़ा से इसको तोड़ा है मोबाइल। तो देखिए इसको, तो मैं इसको खोल लेता हूँ एक एक करके। तो इसमें देखता हूँ अंदर में कौन सा कुछ क्या डैमेज हुआ, कौन सा कुछ सही है। तो अभी इसको तो देखिए, पीछे में बैक ग्लास तो बिल्कुल इसको गया है, लेकिन देखता हूँ इसमें अंदर में क्या क्या गया है। जो नीचे में जो चार्जिंग फ्लेक्स, डिस्प्ले का पत्ता, जो भी आता है वो भी सब कुछ देखता हूँ क्या क्या उसमें सही है, क्या क्या गई है। तो कम्प्लीटली इसको चेंज करेंगे, कम्प्लीटली इसको सेट भी करेंगे। तो मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए तो आप लोग देख पाएंगे कम्प्लीटली। तो ये मॉडल है वीवो A1। तो देखिए इसमें मैं अभी तो बैक पैनल के उसको रिंगर, जो मिडिल रिंगर वो भी खोल लिया। तो अभी देखिए बैटरी की हालत भी इसको देखिए। तो मेरे को देख के लग रहा है बैटरी भी सही है कि नहीं मालूम नहीं, तो खोल के देखता हूँ। चलिए खोल लेता हूँ। तो खोल के देखता हूँ इसको बैटरी क्या है, बैटरी ख़राब हो गया क्या, अभी ठीक है, उसके बाद क्या क्या और भी डैमेज हुआ। तो इसमें मैं खोल लिया देखिए। तो अभी बैटरी को उसको उठा लेता हूँ। चलिए देखता हूँ बैटरी के नीचे जो चार्जिंग फ्लेक्स है, जो वो भी देखता हूँ कैसे वो ठीक है कि नहीं। तो अभी बैटरी को मैं उठा लिया देखिए। तो बैटरी देखते हो, चलिए चार्ज ले रहा है कि नहीं, चार्ज है कि नहीं इसमें। तो बैटरी तो इसमें देख के लग रहा है इसमें कोने में जैसे डैमेज हुआ है, तो ये बिल्कुल देख के लग रहा है नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी चलिए देखते हो लगा कि इसमें बैटरी शॉर्ट मशीन में। तो इसमें बैटरी तो ये हालत है, उसके बाद क्या क्या है अभी दिखाएंगे क्या क्या इसमें, तो कम्प्लीटली चेंज भी करेंगे। तो चलिए इस पर बैटरी में लगाता हूँ। तो देखिए बैटरी शॉर्टर में कुछ शो नहीं कर रही, वोल्टेज भी कुछ शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसको एक बार चार्जर लगा के देखते हो, पूरा बैटरी डैमेज हो गया है कि चार्ज ले रहा है कि नहीं। तो इसमें अभी मैं चार्जर लगाता हूँ। तो चार्जर लग गया फ्रेंड्स, देखा यहाँ पे सिर्फ रेड सिग्नल जल रही, तो चार्ज नहीं ले रहे, वोल्टेज नहीं ले रहे। तो इसमें अभी इसको फिर से एक कनेक्टर में लगा के देखता हूँ। तो इसमें नहीं, चार्ज नहीं ले रहा है इसमें, तो बिल्कुल बैटरी इसमें सही नहीं है। बैटरी क्या है कस्टमर को, इसको तो बैटरी भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, तो इसमें चार्ज नहीं ले रहा है, तो बैटरी तो गया। तो अभी इसको देखते हो अंदर में और क्या क्या गया है। तो अभी इसको चलिए, तो यहाँ पे ये तो वॉल्यूम ऑफ है, तो इसको रख देता हूँ साइड में। तो अभी इसमें ये तो डिस्प्ले का कनेक्शन का जो पत्ता आया है, तो ये तो देख के लग रहे नहीं इसको सही है, डिस्प्ले पत्ता भी नहीं कटा हो। और अभी जो चार्जिंग फ्लेक्स का पत्ता भी, ये भी सही है, ये भी नहीं कटा हो, ये भी नहीं कट गया देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी सही है। तो ये दोनों पत्ता तो बिल्कुल सही है। तो इसमें मिडिल फ्रेम जो देखे ना कैसे तोड़ा है, तो ये ऑन ऑफ वॉल्यूम फ्लेक्स जो है ये भी तो कट गया है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसमें ये ऑन ऑफ वॉल्यूम फ्लेक्स पूरा कटा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पे मिडिल फ्रेम को तोड़ा है, लेकिन अभी ये पत्ता नहीं कटा है। देखिए मिडिल फ्रेम तो पूरा इसको बेस से टूट गया है, लेकिन अभी ये सही है। तो इसमें अभी ये तो चेंज करेंगे, तो ठीक है चलिए। तो अभी इसको मैं क्या कर इसको चेंज करेंगे, देखिए देख लिया आप लोग, तो बोर्ड तो सही है। तो इसमें अभी मैं चेंज करेंगे, देखिए बैक ग्लास, इसको बैक ग्लास लेके आया, पूरा 100% ओरिजिनल क्वालिटी का है ये ग्लास। तो इसमें सेम टू सेम जैसे पहली बार बैक पैनल को कलर था, यही सेम टू सेम कलर लेके आया देखिए। तो यही सेम टू सेम इसको क्वालिटी भी पूरा ओरिजिनल क्वालिटी का है। तो इसको तो बैक पैनल का बैक ग्लास गया है, तो अभी इसको एक चेंज और भी मिडिल भी चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे इसको। तो ये तो बैक ग्लास है, तो अभी इसमें दिखा दो और भी। तो अभी ये है मिडिल फ्रेम, इसमें तो मिडिल फ्रेम देखिए बीच में से इसको हालात देखिए, तो इसमें चेंज करेंगे। तो ये तो गया है, अभी इसको बैटरी चेंज करेंगे देखिए। तो ये बैटरी मेरे पास जो वीवो कंपनी का नहीं है, लेकिन दूसरे कंपनी का है, लेकिन बहुत क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये जीनियस का फीडबैक बहुत अच्छा है। सेम टू सेम एम्पियर, सेम टू जो वीवो जो उसका ओरिजिनल बैटरी था उसमें जो एम्पियर, इसमें एम्पियर सेम टू सेम है,
कोई डिफेक्ट नहीं रहते, सर्विस भी बहुत अच्छा मिलता है ये। तो चलिए बैटरी तो हो गया, तो अब इसके देखिए डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले है कम्प्लीटली OLED, इसमें ये ओरिजिनल LCD है। इसमें एक तो कॉपी वाला LCD भी आता है, लेकिन ये 100% ओरिजिनल LCD। देखिए इसमें फिंगरप्रिंट का वो जो नॉब पॉइंट है, हाँ डिस्प्ले में इसका जो ओरिजिनल डिस्प्ले अभी टूटा हुआ है, इसमें जो डिस्प्ले वहाँ पे लगा हुआ है फ्रेम में, तो ये खोल के मैं इसको बैक में दिखाएंगे। और अभी ये तो वॉल्यूम फ्लेक्स, ये भी तो चेंज करना पड़ेगा, ये है वॉल्यूम फ्लेक्स, तो ये सब चेंज करेंगे। तो इसमें और एक चीज़ में चेंज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो मार्केट में नहीं मिला है, इसको रिंग जो मिडिल फ्रेम है रिंग, तो ये मार्केट में फिलहाल अभी नहीं है किसी के पास। तो इसको मैं कस्टमर को बोला है कुछ दिन बाद अगर मार्केट में माल आ जाएगा तो हम इसको लगा देंगे, उसी टाइम से बैक पैनल बैक ग्लास खुलने से हो जाएगा, कम्प्लीटली नहीं खुलना पड़ेगा। तो इसको मैं इसको ये नया नहीं मिला है, तो इसको से पुराना ही लगाएंगे और सब कुछ चेंज करेंगे, तो उसको वो भी मिल जाएगा कुछ दिन बाद मार्केट में, शायद आ ही जाएगा। अभी मार्केट में माल बहुत मुश्किल आ रहा है आने का, तो वो भी चेंज कर देंगे कुछ दिन बाद। तो अभी इसको कम्प्लीटली मैं सब कुछ खोल लेता हूँ, खोल के उसको नया वाला जो मिडिल फ्रेम है उसमें सेट करेंगे, तो इसको कम्प्लीटली रजिस्टर करेंगे। तो अभी देखिए इसमें तो अभी चलिए मैं इसको कम्प्लीटली खोल ही लेता हूँ, इसमें पुराना वाला जो मिडिल फ्रेम है सब कुछ खोल के उसमें फिटिंग करेंगे। तो ये है फिंगर सेंसर, इसमें भी चोट आया है, लेकिन फिर भी लगा के देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा ये नया वाला LCD, और ये है देखिए उसका पुराना वाला टूटा हुआ LCD। तो दोनों में बैक देखिए सेम टू सेम, इसमें ये ऑलरेडी ओरिजिनल LCD, आप देखिए आप देख सकते हैं ऊपर में सेंसर का पॉइंट, वो भी देखिए नीचे का IC का पोजीशन देखिए, जो फिंगर का पॉइंट को देखिए, पत्ता का कनेक्शन देखिए, सेम टू सेम ही है। तो ये है ओरिजिनल LCD। तो इसको मैं चलिए मैं फिटिंग करता हूँ इसमें मिडिल फ्रेम में, तो इसको चलिए लगा लेता हूँ। तो चलिए इसमें मैं मिडिल फ्रेम में बैठा लिया, तो अभी इसमें कम्प्लीटली सब कुछ इसमें लगा लेंगे, सब कुछ जो पत्ता नॉब जो भी है उसमें, पुराना वाला जो मिडिल फ्रेम है उसमें जो खुला है सब कुछ वो इसमें लगा लेंगे। तो ये मॉडल है वीवो A1, आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको कम्प्लीटली मैं कैसे इसको रजिस्टर करूँ, मतलब इसको पुराना वाला जो मोबाइल आप लोग देखा है कैसे इसमें बीच में से इसको तोड़ा गया है, तो ये कम्प्लीटली इसको मैं सेटअप करके नया वाला जो गेटअप है वही लेके आएंगे। तो इसीलिए इसको कम्प्लीटली सेट कर रहा हूँ, और ये सब वीवो ओप्पो आप लोग ये सब को सब मॉडल में ये कम्प्लीटली सब कुछ मिल जाता है। अगर किसी के मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कम्प्लीटली सब कुछ मिल जाएगा इसको। तो ये देखिए मैं इसको कम्प्लीटली सेट कर ही लेता हूँ, तो उसके बाद नीचे का चार्जिंग बोर्ड लगाएंगे ये पत्ता के फ्लेक्स के साथ इसको, यहाँ पे डिस्प्ले पत्ता भी लगता है डिस्प्ले कनेक्शन, उसके बाद चार्जिंग फ्लेक्स का और एक टू पत्ता है वो भी लगाएंगे। तो इसको कम्प्लीटली देखिए फ्रेंड, मेरा वीडियो पूरा देखिए तो कम्प्लीटली लास्ट तक तो आप लोग देख पाएंगे इसको कम्प्लीटली, जो पहले आप लोगों को दिखाया था कैसे इसको हालात था बीच में से तोड़ा गया है, तो अभी इसमें इसको कैसे में कम्प्लीटली नया वाला लुक आ रहा है। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूं, इसमें देखिए आप लोग जो एक तो वायर काटा हुआ है, ये नेटवर्क एंटोना का वायर है, तो ये भी चेंज करना होगा, ये भी काटा हुआ है देखिए नेटवर्क वायर का, इसमें बीच में से कट गया, तो ये भी मैं इसको चेंज करेंगे नेटवर्क वायर को। तो अभी मैं इसको दोनों पत्ते को लगा लिया, इसके ऊपर में जो पन्नी लगा हुआ था इसमें मैं फिर से लगा देता हूँ, लगा के इसके ऊपर में बैटरी को बैठाएंगे। तो देखिए इसमें मैं लगा देता हूँ, उसके बाद उसको बैटरी बैठाएंगे बाद इसको मैं जो ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे इसको डिस्प्ले का पिक्चर कैसे आ रहा है। तो कम्प्लीटली मेरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक बटन में ज़रूर दबाए। तो हम लोग नया नया वीडियो टिप्स अपडेट कुछ और भी लेके आने के लिए हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम लोग आप लोगों को नया नया दिखा पाएंगे सिखा पाएंगे। तो इसमें अभी देखिए तो अभी इसको बैटरी लगा दिया, तो चलिए मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑन करके देखता हूँ डिस्प्ले कैसे आ रहा है। तो चलिए पहले एक बार इसको ऑन करते हैं, उसके बाद फिटिंग करेंगे कम्प्लीटली।
तो इसको एक बार ऑन करता हूँ। चलिए तो इसमें हाँ वाइब्रेट हुआ है तो ऑन हो गया। देखिए अभी वो आ गया है। तो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी सेम टू सेम आपका पुराना वाला। तो ऑन हो गया देखिए। तो इसमें फिंगरप्रिंट भी सेंसर ले रहे, तो इसमें फिंगरप्रिंट के सेंसर भी ले रहे, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट में भी चोट आया था इसमें जब ऐसे हालात में इसको तोड़ा है। तो अभी देखिए इसमें पासवर्ड तो मालूम नहीं, लेकिन इमरजेंसी में तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे। तो डिस्प्ले में तो 100% ओरिजिनल पहले आप लोगों को दिखा लिया। तो इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी की शायद मेरा वीडियो मोबाइल रिकॉर्डिंग में इसको शायद नहीं दिखा रहा है। तो इसको मैं चलिए इसको कम्प्लीटली फिटिंग कर लेता हूँ सेटिंग। तो अभी इसमें जो नेटवर्क एंटीना इसको चेंज करेंगे, ये तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें बीच में से इसको कटा हुआ है। तो अभी मैं नया वाला लगाएंगे। देखिए इसमें दो टुकड़ा हो गया, तो इसमें अभी ये नया वाला इसको ये लगाएंगे, उसके बाद कम्प्लीटली इसको सेट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ आराम से। तो इसमें अभी मैं नीचे का जो रिंगर बॉक्स लगा लेता हूँ उसको कम्प्लीटली फिटिंग करेंगे अभी। तो अभी दिखाएंगे इसको कम्प्लीटली फिटिंग करके इसको मैं कैसे लग रहा है। तो इसमें सिर्फ इसको ये देखिए ये नया वाला मार्केट में नहीं मिला है, अभी किसी के पास नहीं है। तो अभी इसको थोड़ी दिन बाद इसमें जब आएगा तब इसको मैं कम्प्लीटली इसको वो भी चेंज कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल चलने के लिए इसको दिक्कत नहीं आएगा मोबाइल में। तो इसको मैं अभी यही लगा रहे, तो कस्टमर का सिर्फ यही वाला है, पुराना वाला यही है और सब कुछ तो चेंज हो रहा है आप लोग देख पा रहे हैं। तो अभी इसको कुछ दिन बाद अगर माल आएगा तो मैं चेंज कर देंगे। तो अभी नहीं मिला है इसलिए कस्टमर का मोबाइल भी अर्जेंट है, अभी चाहिए। तो इसको लगा के मैं सेटिंग करके दे रहे, कुछ दिन बाद वो भी चेंज कर देंगे। तो इसको मैं अभी कम्प्लीटली सेट कर रहा हूँ देखिए। तो इसके बाद ऊपर में जो बैक ग्लास है वही लगाएंगे। तो बैक ग्लास को अभी इसको लगाने के बाद दिखाएंगे इसको लुकिंग कैसे आ रहा है। तो देखिए इसमें तो मोबाइल तो ऑन ही है अभी, तो इसमें वॉल्यूम स्विच सब कुछ सही काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ इसमें बीच में जिससे एक तो टूटा हुआ आप लोग देख पाएंगे, इसको कस्टमर भी देख पाएंगे, कोई बात नहीं एक तो कवर भी लगा लेंगे। अभी तो चलेगा कुछ दिन फिलहाल, उसके बाद चेंज कर देंगे। तो देखिए यही है बैक ग्लास ओरिजिनल, तो देखिए यही है अभी फिटिंग करेंगे। तो देखने के बाद अभी मोबाइल बिल्कुल देखिए कितना अच्छा है इसको लग रहा है अभी। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। तो कम्प्लीटली इसको चेंज किया मैंने, आप लोगों को दिखा गया सिर्फ एक ही चीज़ मार्केट में नहीं मिला है। तो इसको चलिए देखता हूँ। तो ये मैं बैक ग्लास लगा लिया अभी। तो अभी इसको देखिए, तो अभी बिल्कुल नया जैसे लग रहे। तो यही है पुराना वाला ग्लास है, ये पुराना वाला ग्लास है, इसको तो मैं चेंज कर दिया, यही है देखिए इसमें। तो अभी इसको देखा तो यही है डिस्प्ले है, पहले इसको ये डिस्प्ले था। तो अभी मैं इसको नया वाला डिस्प्ले लगाया, मिडिल फ्रेम भी देखिए इसमें कैसे टूटा हुआ। तो कम्प्लीटली इसको मैं चेंज किया, तो अभी फ्रेम तो कम्प्लीटली इसको मोबाइल लुकिंग आ गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलता है आप लोगों को। तो थैंक यू फ्रेंड्स।